नमस्कार, एक मुलाकात शालिनी के साथ। आज के एपिसोड में हमारे साथ दो स्पेशल मेहमान हैं। उनका नाम अफ्ताब है और दूसरे का नाम नाजिरा है। और बाकी का स्टोरी मैं थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। आज ये दोनों का एक शॉप ओपन हुआ है, जिसके लिए मुझे आज स्पेशली इन्वाइट किया गया है रिबन काटने की। तो मैं सोची चलिए आज आप लोगों के साथ में कुछ पल इन लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और चलिए आइए आइए हमारे साथ अंदर गाँव में। काम चल कर रहे हो, कितने उम्र के थे? तो 16-17 साल का इससे कर रहे हैं। ये 16-17 साल का था ये 16-17 साल का था तब से। इसमें एक हुनर है और उस हुनर को बरकरार रखा हुआ है। इसके चार बच्चे हैं, इसकी ये वाइफ है, दो बच्चे तो आज आए हुए हैं, दो बच्चे भी आए नहीं हैं। छोटा सा प्यारा सा फैमिली इन लोगों का। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन ना, तो इसका जो टेलर का जो शॉप था वो संभव नहीं हो पाया है कि नहीं होता। तो ये पिछले 3 साल से ये घर पे ही ये टेलर का काम कर रहा था। बहुत मुश्किल से घर चल रहा था, परिवार काफ़ी बड़ा था। अफ्ताब का एक प्रॉब्लम आ गया था इसका ना आँख, बचपन से ही एक आँख का प्रॉब्लम था। कुछ साल में ना इसका एक आँख बिल्कुल ब्लाइंड हो गया और दूसरा आँख भी ऑलमोस्ट ठीक ठीक चल रहा है। अच्छा नाजिरा, ये नाजरी इसकी जो वाइफ है, ये कुछ शेयर करना चाहती है अपना फैमिली के बारे में। तो लॉकडाउन के बाद तो बहुत प्रॉब्लम थी वो देखी। जी, लॉकडाउन के बाद बहुत थे प्रॉब्लम में, कर्ज में भी थे। तो दीदी के घर से जब से ज्वाइन किए तब से हेल्प मिला, ठीक है। और दीदी लोग भी बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं हम लोग को। और उनकी वजह से आज मेरा ये पॉइंट में दुकान हुआ है। ये एक्चुअली अगर हम सभी लोग ना छोटा छोटा अगर हेल्प करके इनक्रेज करें ना, सपोर्ट करें, धक्का जो वर्ड होता है ना, धक्का दें हम लोग अपने से, जो हम लोग के आस पास जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, और छोटा मोटा ज़रूरत की वजह से अगर किसी का घर चल सकता है, फैमिली बढ़ सकता है, तो क्यों नहीं हम लोग सपोर्ट करें। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बढ़ो इंडिया, देखो इंडिया, और हम लोग का वृद्धि कैसे होगा। इन्हीं लोगों की वजह से ही तो आज हम लोग भी खा पी रहे ना। आज इतना इनमें एक हुनर है, जो आप देखिए मेरा जो ड्रेस पहन के आई हूँ ना, ये खुद स्टिच किए हैं। और ये जितना भी आप मेरा ड्रेस देखते हैं ना, मेरा ब्लाउज, साड़ी, सलवार सूट, जितना भी मैं इंडियन वेयर पहनती हूँ ना, सारा कुछ ये स्टिच करता है। और मेरे को लगा कि इसमें इतना बड़ा टैलेंट है, इस टैलेंट को ये घर में बैठ के कर रहा था, उस टैलेंट को कैसे किया जाए सपोर्ट। तो एक छोटा सा शॉप उनको मिला और इस चीज़ को, ये छोटा ज़रूर देखने में है लेकिन इस जगह से ये बहुत आगे बढ़ेगा। ये हम लोग का तो ब्लेसिंग है क्योंकि इसका जो क्वालिटी, इसका वर्क का क्वालिटी ना, लोग काम देखेंगे, जगह और ये सब मैटर नहीं करते जितना कि मैटर करता है काम। और प्लस ये लोग बहुत ही ईमानदार है। नाजिरा मेरे पास 3 साल से मेरे घर पर है, जो ऐसे ही मसाज वसाज करती। इसमें इतना क्वालिटी है कि आप दुनिया का कोई भी आप काम करवा लो, किसी भी काम में ये ना नहीं बोलती, सारा जिम्मेवारी समझती है। ये दोनों हस्बैंड ये घर पे आके सबका सामान पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं स्टिच करने के बाद। हम लोगों को कहीं जाना भी नहीं पड़ता है स्टिचिंग के लिए। तो ये अफ्ताब ये कटिंग करता है और इसके जो ये आप थोड़ा लाइट है, इस वजह से ये स्टिचिंग नहीं कर पाते हो ना? नहीं, मशीन पे देखने में प्रॉब्लम होता है, सिर्फ हम कटिंग करते हैं। थोड़ी कारीगर है हमारे, ये मशीन पे स्टिचिंग का काम करते हैं। तनवीर नाम इसका। तो ये कटिंग करता है और ये स्टिचिंग करता है। और स्टिचिंग तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टिचिंग करता है। और ये पूरा फॉल पीको बटन स्वटन जितना हो सकता है नाजिरा हेल्प करती है इसको। और ये रहा, क्या है नाजिरा, ये ट्रायल रूम है इसका। और ये मशीन हो गया स्टिचिंग के लिए। अभी सेटअप स्टार्ट हुआ है, ये देखिए ये सब अभी स्टिचिंग आज से चूँकि ओपन हो रहा है, ये घर पे ही बैठ के अपना स्टिच किए। तो ये मेरा एक कुर्ता भी स्टिच हो गया है और काफ़ी अच्छा। तो लॉकडाउन के बाद तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे हुआ। तो लॉकडाउन में इसके 4 बच्चे का स्कूल छूट गया ऑफकोर्स ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो मेरी एक फ्रेंड है नम्रता, जो अभी आई भी बट वो कैमरा में आना नहीं चाह रही है, तो वो भी इनिशिएट की कि चलो इन 4 बच्चे का हम स्कूल में
एडमिशन कराते हैं, तो फिर हम लोग जाके चारों बच्चे का एडमिशन कराए। एडमिशन हुआ, क्या क्या यूनिफॉर्म ड्रेस क्या क्या जो भी हुआ सारा कुछ करके हम लोग सोचे कि चार बच्चे जो घर पे बैठ के जो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, कोई तो उसको सपोर्ट करना होगा, किसी कोई भी तो आगे बढ़ेगा। हम लोग सोचे चलो हम ही लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो जाके वो हो गया, एडमिशन हो गया। फिर इन लोग एक घर में रहता था, जो घर इन लोग के लोग मतलब सूट नहीं कर रहा था, फिर उन लोग का घर भी हम लोग चेंज करा दिए। घर चेंज हो गया, फिर हम लोग ये चलो अब आधा काम हो गया है, क्यों नहीं इसका एक छोटा सा शॉप भी ओपन करवा दें। तो वैसे करके इन लोग का आज से जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है। सो प्लीज़ आप लोग इनके लिए ब्लेसिंग दीजिए कि लोग बहुत आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि छोटा सा शॉप खूब बड़ा सा शॉप बन जाए। और इसके मेहनत इधर आओ, इसके मेहनत और लगन के वजह से ही मेरे को आज इनिशिएटिव लेना पड़ा, क्योंकि इसमें एक जुनून है, ये स्टिच करने का इसमें जो कला और जुनून है ना, ये देखने के बावजूद मेरे को लगा कि इसको हेल्प करेंगे तो हो सकता है ये बहुत आगे बढ़ सकता है। आजकल हम जितनी भी मेरी फ्रेंड्स लोग हैं या लेडीज लोग हैं, सब बड़े बड़े बुटीक में जाती है और ज़्यादा पैसा दे के स्टिच करवाती है। मैं कभी भी बुटीक में आज तक नहीं गई जब से ये मेरे पास आया है, मतलब लाइक हर बुटीक का स्टाइल ही स्टिच कर देता है, कोई भी आप हाई ब्रांड भी करोगे वो भी स्टिच करके दे देता है। ये सारा हुनर कला देखने के बाद मेरे को लगा कि वी शुड डू समथिंग, और अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो कोई भी आगे बढ़ सकता है कि नहीं। अब तो बिना सपोर्ट का तो कुछ होता नहीं है। हम लोग आज जो भी ये दीदी के बोलो लोग अफ्ताब है ना, मेरे को बड़ी बहन मानता है और छोटा भाई की तरह अफ्ताब है। इसके इसके जो भी इसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो ये सबसे पहले ये मेरे को याद करता है। मेरे को लगता है कि चलो रिश्ता खून से तो नहीं होता है ना, कोई कोई रिश्ता है ना प्यार से भी होता है, जो इज्जत रिस्पेक्ट और जो जो इसको मेरे पे विश्वास है, उसी विश्वास पे आज ये जगह पे खड़ा है और बहुत आगे बढ़ोगे। अब तो आप देख लेना तुम कहाँ से कहाँ जाओगे ना, ये सब लोग का ब्लेसिंग रहेगा। अब तो आप एक आंख पे ये पूरा चला रहा है। और नाजिरा तुम हमेशा ख्याल रखना इसका और सपोर्ट करना नाजिरा, और तुम लोग लिए तो तुमको पता है हम लोग हमेशा खड़े ही रहेंगे। और बस अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोलो, आप लोग आने के बोलो सबको, नहीं तो बोलो कि आप लोग आइए स्टिच कराने, आप लोग भी आइए स्टिच करा के देखिए कैसा लग रहा है, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर आप और आगे आ सकते हैं। और ये साड़ी लहंगा ब्लाउज सारा कुछ बनाते हैं आप, मेरा कितना भी रील्स और शादी वादी में जब भी जाती हूँ ना, मैं कोई भी बहुत महंगा कपड़ा नहीं खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि ये है मेरा महंगा चीज़ को सस्ता में अच्छा बना के दे देता है कि नहीं। कपड़ा तो फिर दीदी आज अपना पहला ऑर्डर देने जा रही हैं। ये साड़ी का ब्लाउज बनाना है देखो, तो आज से ये काम स्टार्ट हो रहा, तो ओपनिंग होगा मेरी साड़ी ब्लाउज की। क्या पता फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। और ये मेरा ब्लेसिंग इसके साथ हमेशा रहेगा। मेरी बहन दीदी है, मतलब दीदी जी है, मतलब हमको अपना भाई मानती है और हम भी इनका मतलब अपनी बहन की जैसे ही इनके साथ मतलब सगे भाई बहन नहीं है लेकिन सगे से भी ज़्यादा हम इनको अपना बहन समझते हैं। और ये मेरे साथ हर समय मतलब हम तो बोल नहीं पा रहे लेकिन इनका बहुत ये है मेरे ऊपर कि आज हम इनके कारण मतलब बहुत उन्नति कर रहे हैं और बहुत हेल्प करती है दीदी मेरा, मतलब बहन जैसे एक अपना रिलेशन बहन करती है सेम वैसे ही करती है। मतलब हमको ये एहसास नहीं है कि मतलब ये मेरी क्लाइंट है या मतलब कोई गैर है या ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमको यही लगता है कि ये मेरी अपनी बहन है। और ये मेरी और हम अपनी बहन के लिए ये मेरे लिए बना के लेके आया है, इसके हाथ में जादू है। अगर आप लोग स्टिच करवा लो तो प्लीज, इसका टेलर खुल गया है अब जा सकते हो। तो ये मैं जल्दी पहनने वाली हूँ। थैंक यू अफ्ताब।